नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं लौकी की खेती के बारे में। कुछ जगह पे इसे कद्दू के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मुख्य रूप से दो प्रजातियां होती है, एक लौकी जो कि लंबे आकार की होती है और एक जो गोल आकार की होती है। किसान बंधु इसकी खेती से बहुत अच्छी कमाई भी करते हैं और कैसे मचान विधि से इसकी खेती होती है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। किसान बंधु को कितना प्रॉफिट होता है इसमें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आप जो देख रहे हैं वो मचान विधि से की हुई लौकी की खेती है और इस बगान में गोल वाले और लंबे वाले दोनों प्रजाति की लौकियाँ उपलब्ध है। किसान बंधु किस तरह से लगभग 10 से 12 फीट की दूरी पे बांस का खंभा लगाए हुए हैं और उसके ऊपर जो पतला वाला महीन रस्सी आता है उससे इन्होंने एक जाल की तरह बुनाई की हुई है। अगर कुछ किसान बंधु इस रस्सी के जगह पतले तार का प्रयोग करते हैं या फिर बांस का ही, एक बांस का दो या चार भागों में उसको बना करके और उसी का ये रस्सी के जगह पे उपयोग करके और जाली की तरह बनाते हैं जिससे उस पे लताएं बिखर कर और फल देती है। मित्रों, गोल वाली लौकी किसान बंधु को ज़्यादा फायदा देती है। इसका रेट मार्केट में हमेशा लंबे वाली लौकी से ज़्यादा होता है और इसका फलन भी जो लंबे वाली लौकी है उसके अपेक्षा ज़्यादा होती है। गोल वाली लौकी की मादापन क्षमता लंबे वाले लौकी से ज़्यादा होती है। मित्रों, ये जो लौकी की खेती आप देख रहे हैं ये किसान बंधुओं ने मार्च अप्रैल के महीने में लगाया हुआ था और तब से लेकर के ये अभी तक फल दे रही है, लेकिन इसमें कुछ उपाय किसान बंधु करते हैं। जैसे कि अगर मार्च अप्रैल में किसान बंधु ने लौकी का पेड़ लगाया है तो फिर से उसका एक या दो महीने पे नए नए पौधे बगान में किसान बंधु लगाते रहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये अभी फल देना शुरू हुए हैं। तो किसान बंधु इस तरह से अगर लौकी की खेती करते हैं तो वैसे वो अच्छी इनकम कमा सकते हैं। लौकी लगाने के पश्चात किसान बंधु इसकी 3G कटिंग अवश्य करते हैं। नीचे से जो तना जाता है उसमें आप देखेंगे कि एक भी तनों को ये छोड़ते नहीं है, जो उसमें से नए तने निकलते हैं, जो मेन वाला तना रहता है उसको छोड़ करके हर तने को ये काट देते हैं, तब तक जब तक ये ऊपर मचान पे पसरने योग्य नहीं हो जाए। और जब ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर ये नए ब्रांचेज देता है, नीचे किसी भी नई ब्रांच को ये छोड़ते नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सफाई ये कर देते हैं, हर नए ब्रांच को ये ब्लेड से या फिर कैंची के माध्यम से उसको काट देते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक सिर्फ एक तना रहता है और ऊपर जाने के पश्चात नए तने विकसित होते हैं। किसान बंधु इसके लिए बहुत हल्की मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और वो भी पेड़ लगाने के बाद, जड़ों में, जड़ के बिल्कुल पास नहीं, उसके अगल बगल हल्की मात्रा में नाइट्रोजन रख के और उसको निराई गुड़ाई कर देते हैं। मित्रों, नाइट्रोजन के अलावा इसमें आप रेड़ी की खली या फिर सरसों की खली भी उपयोग में ला सकते हैं, वो भी लौकी के लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद रहता है। इसके स्प्रे की अगर बात करें तो स्प्रे में किसान बंधु हमेशा इसमें जो मुख्य रूप से कीट लगते हैं वो वाइट फ्लाई या फिर एक तना को काट देने वाला कीट होता है जो तने को बिल्कुल दो हिस्सों में काट देता है, उसके लिए किसान बंधु इसमें हल्की इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि साइफरमेथ्रिन हो गया या फिर क्लोरोफायरीफॉस हो गया या फिर दोनों का मिश्रण इसके लिए उपयुक्त होता है। रेड माइट भी इसमें लगते हैं जिसके लिए बायो दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। किसान बंधु काफ़ी आसानी से कम लागत में और लौकी के माध्यम से अच्छा इनकम कमा सकते हैं, लेकिन अगर इस विधि से खेती करते हैं तो, जैसे कि अगर मार्च अप्रैल में आपने लौकी के पौधों को लगाया है तो ये मार्च में लगाया है तो अप्रैल के लास्ट से ये अपना फलन
शुरू हो जाता है इसका, और इसका रेट भी काफ़ी अच्छा मार्केट में मिलता है। अभी अक्टूबर का महीना, अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, और इस महीने में जो लौकी का रेट है, वो गोल वाले का जो रेट है, वो आपको 30 से 35 रुपये के करीब है, और जो लंबे वाली लौकी है, वो 20 से 25 रुपये के रेट में मार्केट में बिक जाती है काफ़ी आसानी से। इस हिसाब से अगर आप देखें तो किसान बंधु पर कट्ठा में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का इनकम कर लेते हैं, और ये इनकम लौकी की खेती के लिए पर्याप्त होती है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम लगता है, इसमें दवाइयाँ भी कम लगती है, और इसके जड़ में भी काफ़ी कम उर्वरक का इस्तेमाल होता है। किसान बंधु इसकी थ्रेशिंग कटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चलकर इसके ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उन ब्रांचों में फल की संख्या फूल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब थ्री जी कटिंग के माध्यम से आप किसी भी पौधों की मादापन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसमें फल ज़्यादा आएंगे और उसमें फूलों की संख्या काफ़ी कम होगी। आप देख सकते हैं कैसे किसान बंधु ने इसके जड़ों में उर्वरक का प्रयोग किया हुआ है। जड़ के अगल बगल लगभग 10 इंच की दूरी पे किसान बंधु इसमें हल्की DAP, हल्की मात्रा में यूरिया, कैल्शियम और जाइम का प्रयोग किया है। उसके साथ में रेड़ी की खली या फिर सरसों की खली का प्रयोग किसान बंधु जरूर करते हैं। आप कुछ छोटे छोटे पौधे भी देख रहे हैं, जैसे कि जैसे ही बड़ा पौधा फल देना कम करता है, ये छोटे पौधे तब तक तैयार होकर के और फल देने शुरू कर देते हैं। इससे लौकी का फसल का जो अवधि है वो बढ़ता है और फल भी ज़्यादा दिनों तक आते हैं, और किसान बंधु को मुनाफा ज़्यादा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थ्री जी कटिंग के बारे में भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, जो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।